Hello students, how are you all? Welcome back to our EVS class. Okay, let's start lesson number 4, good manners in your fair book. Okay, in your fair book you have written this new word till number 14, everyone. Okay, आपने अपनी फेयर बुक में 14 तक न्यू वर्ड्स लिख दिए हैं. अभी नेक्स्ट आप लिखोगे नंबर 15. डेट नहीं लगानी है. एज इट इज जैसा मैंने 14 के बाद डायरेक्ट 15 लिखा है, वैसा ही आपको भी 14 के बाद डायरेक्ट 15 लिखना है. ओके, 15th इज POLITE, पोलाइट, पोलाइट. ओके, टू वर्ड्स, TOWARDS, टू वर्ड्स. 17th इज हैबिट, HABIT, हैबिट. WELCOME, welcome. GUEST, guest. Okay, next is number 20, that is family, FAMILY, family. 21 is members, MEMBERS, members. 22 is parents, PARENTS, parents. Next is GAR, BAGE, badge, garbage. Now number 24, that is DUST, 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 BIN, bean, dustbin. Next is 25, that is SHARE, 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 share. Next is 26, per, 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 MISSION, permission, permission, permission. AFTER, after, N-O-O-N, noon, afternoon. MORNING, morning. Next is EVENING, evening. Okay, next is WELL, well. BEHAVED, behaved, well behaved. Well behaved मतलब अच्छा व्यवहार करना. ओके, लास्ट इज PARDON, पार्डन, PARDON, पार्डन. पार्डन हम कब यूज करते हैं? जब मैम हमें कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो या कोई भी हमें कुछ समझा रहा हो और हमारा ध्यान ना हो, हमने वो ना सुना हो, ठीक है, तो हम मैम को बोलते हैं बैग योर पार्डन. ओके, इसका मतलब होता है फिर से मैम रिपीट करो, सॉरी मैंने नहीं सुना, ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट, आपको 31 के 31 न्यू वर्ड्स आपकी ईवीएस की फेयर बुक में लिखने हैं. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, मैं ये रीड कर रही हूँ, आपको अच्छे से ऐसे ही जैसे मैंने फेयर बुक में लिखे हैं आपको भी अपनी फेयर बुक में इसी वे में लिखना है, ठीक है. चलो, नंबर 1 इज We all like good manners. हम सबको क्या पसंद है? Good manners, अच्छी आदतें पसंद है, ठीक है. चलो, number 2 is having good manners means being polite. सबके साथ आप प्यार से और अच्छे से बात करो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पास good manners है. ओके, चलो next is number 3. We say sorry when we hurt someone. We say sorry when we hurt someone. Throw garbage in dustbin. Throw garbage in dustbin. Okay, so next is number 5. Always greet. Always greet everyone
with a smile on your face. Okay? Always greet everyone with a smile on your face. जब भी हम किसी को greet करते हैं, greet means good morning, good afternoon, good noon. Okay, ये सब बोलते हैं तो एक smile के साथ बोलना चाहिए. कभी ये सब गुस्से में नहीं बोलना, good morning ऐसे नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, तो एक smile के साथ बोलना चाहिए सबको. चलो next is we say welcome when someone comes at our house. जब हमारे घर पे कोई आता है तो हमें उसे क्या बोलना चाहिए? Welcome. Okay? Welcome. Seventh is we say excuse me. We say excuse me. कब बोलते हैं excuse me? When we sneeze or cough. When we sneeze or cough. Okay? चलो ये हो गया आपके fill in the blanks. Now next is, चलो अभी हम लोग कुछ new करेंगे. ठीक है, फेयर बुक में हम fill in the blanks और वो सब तो लिखते हैं, बट अभी ये आ गया है new. चलो देखते हैं ये क्या है. ये सब जो मैं अभी ये रीड करूंगी सेंटेंस, वो आपको मेरे साथ भी रीड करने हैं. ठीक है, चलो रीड द सेंटेंसेस एंड पुट अ टिक मार्क. ओके, रीड करना है सेंटेंसेस एंड टिक, राइट क्लिक, राइट टिक भी करना है. किसको? फॉर गुड एंड अक्रॉस मार्क. क्रॉस मतलब ये. फॉर बैड, जो अच्छी बातें हैं उस पे टिक करो, जो बैड हैं उस पे क्रॉस मार्क करो. ठीक है, चलो फर्स्ट इज क्लीन योर रूम. तो क्लीनिंग योर रूम इज अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? ओके, इट्स अ गुड, सो टिक करेंगे. ठीक है ना. चलो अभी नंबर टू, थ्रो बिट्स ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर. क्या हमें पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे ही कहीं पे फेंक देने चाहिए फ्लोर पे? नो, इट्स अ बैड मैनर. सो बैड मैनर आए तो हमें क्या लिखना है? यस, हमें क्रॉस मार्क करना है. ठीक है, चलो नंबर थ्री, थ्रो रबिश. रबिश मतलब वेस्ट. आर यू डबल बी आई एस एच, ये क्या बोलते हैं इसको? रबिश. रबिश मतलब वेस्ट. थ्रो रबिश आउटसाइड द हाउस. हाउस के बाहर फेंकना चाहिए कहीं पे भी? नहीं, हमें वेस्ट कहाँ पे फेंकना चाहिए? डस्टबिन में. ओके, तो इट्स बैड मैनर्स के रोड पे हम लोग हाउस के बाहर कहीं पे भी ना फेंके. ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर फोर. नंबर फोर में क्या दिया है? यूज अ डस्टबिन. हमें डस्टबिन यूज करना चाहिए? यस, तो यहाँ पे राइट आएगा. ठीक है, चलो थ्रो फिफ्थ है, थ्रो आइसक्रीम कप्स इन द गार्डन. हम गार्डन में खेलने जाते हैं तो क्या ऐसे ही आइसक्रीम खाते हैं तो कप्स इधर उधर फेंक देते हैं? इट्स बैड मैनर्स, सो ये नहीं होना चाहिए. तो ये यहाँ पे तो क्रॉस मार्क आएगा बिकॉज इट्स अ बैड मैनर्स. चलो नेक्स्ट, वॉश योर क्लोथ्स. हमें हमारे क्लोथ्स अच्छे से खुद क्लीन करने चाहिए ना? यस, इट्स अ गुड हैबिट, गुड मैनर है. तो यहाँ पे टिक करेंगे अगेन, राइट. ओके, चलो नंबर सेवेंथ इज शाउट इन द क्लास. व्हाट? शाउट इन द क्लास, क्लास में हमें चिल्लाना चाहिए? शाउट मीन्स चिल्लाना. हमें चिल्लाना चाहिए क्लास में? No, it's not a good manner. It's a bad manner. So bad manners आए तो हमें क्या करना चाहिए? Cross mark. Okay? चलो next is number 8. Water the trees and plants in the garden. Garden में trees and plants को water देना चाहिए? Yes, it's a good manners. Okay? So again right tick. चलो next is cut your nails weekly. हमें हमारे nails हर week Sunday पे cut करने चाहिए? Yes, it's a good habit. So take again. चलो number 10 is greet when we meet someone. हम कभी भी कहीं पे किसी से मिलते हैं तो हमें उसे greet करना चाहिए? Yes. तो मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप भी किसी से भी अगर कहीं पे मिलते हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो,
आपका कोई भी रिलेटिव हो, टीचर हो, कोई भी हो, आप उसको उस टाइम पे विश ग्रीट करोगे। सपोज आप उसको मॉर्निंग वॉक में गए हो और आप तब अपने टीचर से मिलते हो तो आपको क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग। फिर आप कहीं गार्डन में गए हो तो आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, अपने चाचा चाची से मिल रहे हो, तो उनको भी ग्रीट करना चाहिए। ओके, इट्स गुड मैनर्स। सो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हो तो आपको भी ग्रीट करना चाहिए ना सबको। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट टेक आएगा। ठीक है चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, यहाँ पे चलो नंबर वन, लेट सी नंबर वन। राइट राइट द थ्री मैजिक वर्ड्स। आपको भी थ्री मैजिक वर्ड्स तो आती है, तो आपको डायरेक्ट थ्री मैजिक वर्ड्स नहीं लिखने, आपको क्वेश्चन में से पहले लिखना है द थ्री मैजिक वर्ड्स आर, कौन से हैं, फिर लिखना है प्लीज सॉरी एंड थैंक यू, प्लीज सॉरी एंड थैंक यू। ओके चलो, फिर पहले हेडिंग डाली, फिर वन लाइन स्किप करी। ओके फिर नंबर वन एंड उसका आंसर लिखा, फिर से वन लाइन हमने स्किप करी है, फिर नंबर टू लिखेंगे। ठीक है बेटा चलो, नंबर टू इज व्हेन शुड वन से एक्सक्यूज मी। कोई भी एक्सक्यूज मी कब बोलेगा? एक्सक्यूज मी कब बोलना चाहिए? यस आप बताओ, आपने तो अभी पढ़ा भी है। ओके चलो, कब बोलते हैं एक्सक्यूज मी? वी क्वेश्चन में से देखो, वी से एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज और कफ और आस्क समवन टू गिव वे। ओके, हमें स्नीजिंग छींक आए, खांसी आए, तो हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए। एंड तीसरा कब? जब हमें यहाँ बहुत सारी भीड़ है, उसको क्रॉस करके हमें जाना हो, तो हम पीछे से उसको तो जानते नहीं है, एक नाम लेके बोलेंगे कि हटो, तो वी शुड से एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि मुझे यहाँ से जाना है, आप थोड़ा साइड हटो तो मैं यहाँ से जाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, चलो नंबर टू हो गया आप ही, नंबर थ्री। ओके चलो, नंबर थ्री में क्या है? Where do we learn our good manners? हम good manners कहाँ पे learn करेंगे? आपका तो यही question होगा कि मैम हमें good manners कहाँ learn करनी चाहिए? तो good manners आपको आपके घर पे मम्मा पापा सिखाते हैं, दादा दादी सिखाते हैं, बुआ सिखाती है, sister सिखाती है, सब सिखाते हैं। And स्कूल में भी टीचर सिखाती है, जैसे कि अभी मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ गुड मैनर्स का, तो उससे आप भी सीख रहे हो ना। तो हम गुड मैनर्स कहाँ सीखते हैं? वी, तो क्वेश्चन में से लिखेंगे वी लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम आवर होम। कहाँ से सीखते हैं? हम हमारे घर से सीखते हैं एंड एट आवर स्कूल। घर पे भी हमें सब सिखाते हैं गुड मैनर्स एंड स्कूल में भी सिखाते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट इज नंबर फोर्थ, डब्ल्यू एच ओ एम हुम। डब्ल्यू एच ओ एम हुम, हुम शुड वी रिस्पेक्ट। हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। हमें किसको, हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ई एल डी ई आर एस, एल्डर्स। एल्डर्स मीन्स हमसे जो बड़े हैं, फिर चाहे वो चाचा चाची, दादा दादी, हमारे सिस्टर, हमारी ब्रदर, हमारी बुआ, जो भी हो हमसे बड़े हैं। ओके, वो हमारे रिलेटिव भी नहीं है, पास में आंटी, नेबरिंग में कोई अंकल आंटी रहते हैं, वो भी हमसे बड़े हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट देम। ओके, क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। ओके तो आवर एल्डर्स, सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस एंड आवर टीचर्स, एल्डर्स की एंड टीचर्स की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, इट्स अ गुड मैनर। ओके स्टूडेंट्स,
चलो ये तुम्हारा पूरा फेयरबुक टास्क रहा क्वेश्चन नंबर 4 तक, सबकी फेयर नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर, वी विल मीट सून।